subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वेरी गुड मॉर्निंग कीअं आहियो अव्हां सभु आई होप ठीकु ठाक हूंदो हमीदा रशीद एक दफ़ो ॿीहर अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहे ऐं ख़ैरनि सां अॼु कोशिशि कई आहे त सिंधी अदब ते ॻाल्हाइजे स्पेशली फोकस कजे जदीद सिंधी अदब खे ऐं इन सां रिलेटेड महिमाननि खे घुरायो आहे मुंहिंजी ख़ुशनसीबी आहे त अहिड़नि महिमाननि मूंखे जॉइन कयो आहे अॼु कोशिशि कंदासीं त पाण उन्हनि महिमाननि पंहिंजी जेको आहे उन्हनि पर्सनैलिटीज़ पंहिंजी ज़िंदगी जे तजुर्बे मां जेके जेके शयुनि मां गुज़री चुका आहिनि उन्हनि खे बि अॼु प्रोग्राम में जेको आहे बहस जो हिसो बणाईंदासीं स्पेशली अगरि ॻाल्हि कजे कैंसर जी त व्यूअर्स असांजी ईअं चवां त बदकिस्मती आहे पाकिस्तान जी आउं ॻाल्हि कयां पई जॾहिं आउं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करण लाइ रिसर्च कई ऐं तॾहिं वञी मूंखे ख़बर पई त पाकिस्तान टॉप ते आहे बिल्कुलु ब्रेस्ट कैंसर में ऐं उन सां गॾो गॾु बोन कैंसर आहे या लिवर कैंसर आहे या अहिड़े क़िस्म जा ॿिया कुझु कैंसर आहिनि जंहिंमें पाकिस्तान टॉप ते आहे वजह इहा आहे त माण्हुनि में कुझु ईअं ई चई सघिजे थो त अवेयरनेस घटि आहे या वरी अगरि सिम्पटम्स उन्हनि खे थियनि बि था त हू ॾाढो रफली उनखे इग्नोर करे छॾींदा आहिनि सिम्पटम कहिड़ा आहिनि जेका मां रिसर्च कई आहे उहे अव्हां सां ज़रूरु शेयर करणु चाहींदमि उन खां पोइ असां बाक़ाइदा डिटेल में बि वेंदासीं त हिकु त सूरु पवणु जिस्म में शुरू थी वेंदो आहे असां उनखे ॾाढो इग्नोर करे छॾींदा आहियूं फीवर बुखार थींदो आहे तव्हांखे गॾोगॾु वज़न तव्हांजो अगरि घटिजी वञे थो त तव्हां उनखे ॾाढो जेको आहे हल्को वठंदा आहियो कॾहिं कॾहिं त प्लीज़ अगरि अहिड़े क़िस्म जा सिम्पटम थियनि था या वरी तव्हांजी स्किन में का चेंज अचे थो बदिलाउ अचे थो त उनखे बि तव्हांखे घुरिजे त तव्हां डॉक्टर वटि वञो उनखे बि एॾो ईज़ी न वठो अनयूज़ुअल ब्लीडिंग थींदी आहे त हीअ कुझु सिम्पटम्स आहिनि जेके आउं रिसर्च करे आई आहियां कोशिशि आहे त इन ई हवाले सां अञा वधीक डिटेल असां वरी उन पर्सनैलिटी खां पुछंदासीं जेका पाण कैंसर जहिड़े मूज़े मर्ज़ में ईअं चइजे त मुबतला थी पर उनखे बाक़ाइदा बहादुरीअ सां उन इहा जंग विड़ी आहे ऐं अॼु असांजे विच में मौजूदु आहे उन बाबति बि ॻाल्हाईंदासीं कुझु कॉमन कैंसर विच डायग्नोस्ड इन पाकिस्तान जिन में मां ॻाल्हि करे चुकी आहियां त ब्रेस्ट आहे लंग्स आहे लिवर आहे हेड एंड नेक आहे उनजो जेको कैंसर आहे ॾाढो आम आहे पाकिस्तान में ऐं वरी जॾहिं आउं रिसर्च करणु वेठमि त पाकिस्तान में हर साल तक़रीबन जेको आहे 100,000 माण्हू मरनि था 300,000 माण्हू कैंसर में मुबतला थियनि था हीअ एयरली रिपोर्ट आहे जेका न्यू रिपोर्ट आहे 2021 जी आउं जेका रिसर्च कई मूंखे एतिरी हैरत पई थिए ऐं हज़ारनि ॾुख थिए पियो ऐं बदकिस्मती आहे असांजी त अहिड़े क़िस्म जी जेका बीमारी आहे जंहिंजो इलाज बि मुमकिन आहे पर छा हूंदो आहे सिम्पटम्स जी अवेयरनेस ॾाढी घटि हूंदी आहे इन बीमारी जी अवेयरनेस असांखे घटि हूंदी आहे हाणे कोविड खे ई ॾिसी वठो व्यूअर्स त कोविड में असां छा कयोसीं जॾहिं कोविड आई उनखां पोइ हर कंहिंखे अवेयरनेस थी छो जो उहा पूरी ईअं चइजे त ग्लोबली उन अट्रैक कयो पर उन अटैक खां पोइ हर कंहिंखे जेको आहे अवेयरनेस अची वई त असांखे हीउ करिणो आहे सैनिटाइज़ करिणो आहे मास्क पहिरणो आहे पर उनखां पोइ जेके ॿियूं बीमारियूं आहिनि उहे बि ख़तरनाक आहिनि उन हवाले सां तव्हां जेको आहे पंहिंजो वधि खां वधि केयर कयो ऐं कोशिशि आहे अॼु जे प्रोग्राम में जिन पर्सनैलिटीज़ असांखे जॉइन कयो आहे स्पेशली जदीद सिंधी अदब जी आउं ॻाल्हि कयां त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे त अगरि को उर्दू ॻाल्हाइण सां उर्दू लैंग्वेज सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हू वरी सिंधी अदब ते एॾो कमु कनि त ख़ुशी जी इंतिहा हूंदी आहे सभु खां पहिरीं कुझु जेको आहे ॿ लाइनूं जेके आहिनि उन्हनि जी पेश नज़र कयां थी उन्हनि जूं ई लिखियलु आहिनि ऐं कोशिशि आहे त जॾहिं उन्हनि जूं लाइनूं आउं शामिलु कंदमि त यकीन तव्हां पाण ई सम्झी वेंदव त केरु आहिनि असां सां गॾु वो फरमाते हैं लिखते हैं तुम भी रहते हो सदा अपनी हवाओं में मगन तुम भी रहते हो सदा अपनी हवाओं में मगन हम भी महफिल में कभी हम नहीं होने पाते यकीन नवा समझी वह हों कंजी गाल कयां पी माशाल्लाह सा एक बेहतरीन लेखक आन एक बेहतरीन अदीब आन एक बेहतरीन शायर आन स्पेशली नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में एज ए स्पीकर गेस्ट स्पीकर जडे हु हुंदा आन त उनन के डाडो गौर सा बुधो वेंदो आहे छकाण त उनन जी पूरी जिंदगी में जेको उनन अदब के उनन जेको टाइम दिनो आहे उनन जी जेकी खिदमत रहियो आन अदब जे हवाले सा असी एप्रिशिएट कयो था असा जी खुशी
नसीब ही आहे त उन पर्सनैलिटी असां खे जॉइन कयो आहे ऐं स्पेशली अगर गाल कजे त 1200 सुफन ते सिंधी अदब जो मुकदमो लिखियो अथन ऐं माशाल्लाह सां अॼु असांजे विच में मौजूद आहिनि। जदीद अफ़साना फिक्शन जी ॻाल्हि कजे त उन में बि काफ़ी उन्हनि जी ईअं चइजे त ख़िदमत रही आहे। वेलकम कयूं था स्पेशली सैयद मज़हर जमील साहिब खे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं जी? थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। हमारी खुश नसीबी आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आपने हमें स्पेशली टाइम निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। बहुत मुझे लग रहा है इन्फॉर्मेशन आज हमें मिलने वाली, बहुत कुछ सीखने को हमें मिलने जी वाले। जी नहीं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है और क्या आपने मुझे याद फरमाया और इस आपके आज की महफिल में, आज के प्रोग्राम में सिंधी अदब पर, यह जदीद सिंधी अदब पर गुफ्तगू करना, ये भी मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। थैंक यू सो मच सर। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मौजू बहुत बड़ा है जी सर, लेकिन ज़ाहिर है इस पूरे मौजू को बहुत कलील वक्त में पूरे मौजू पर तफसीली गुफ्तगू नहीं की जा सकती जी, लेकिन, लेकिन हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कम से कम वक्त में उसके ख़ास तौर पर उसके जो आउटलाइंस हैं इस मौजू की, जदीद सिंधी अदब की, उस पर उन पर नज़र डालें जी। थैंक यू सर, आएंगे आपकी तरफ। लेकिन व्यूअर्स उन पैरियाँ स्पेशली ही प्रोग्राम जडे आऊँ जो अरेंज कर वहाँ पे मुझे जहन में एकड़ो ही सवाल अचे पो तो असान जो सिंध जो न्याणियों सिंध जो औरतूँ जी उन हमेशा ये चाहिए तो हर प्लेटफॉर्म से पाँच पान के मंझा ही है। मुझी कोशिश होंगी है उन औरतुन के प्लेटफॉर्म से वी अचा, पर एक अड़ी शख्सियत, एक अड़ी औरत सिंध की उ न्याणी जैं न सिर्फ बेहतरीन पा शायर कहानीकार मजमून निगार कॉलम निगार उन गो गड़ एडिटर उस्ताद मोहक़ मुतरजम मुकर्र भी गड़ोगड सिंधी उर्दू अंग्रेजी में लिखन थी, लेखक भी ज़बरदस्त आन तब उन सुो था डेफिनेटली। पर जडे हाँ ये चवान तो 2020-2021 तमो रो जे भी लम्हा रहा उन जै मुश्किल के जड़े बहादुरी से फेस किया गाल कई कैंसर की शख्सियत जान उन किन्ने ये चवान तो मूजे मर्ज़ में जडे मुब्तला थूँ तो उन वक्त उन्हें तासरात कड़ा रहा हूँ, उन जंग के विड़न लाए उन कड़े शयन के फेस करणो पो अज माशाल्लाह सा उ कैंसर से विड़ी कर ये चाहिए तो उन बाकायदा मुकाबलो कर कामयाब थी कर अज असा प्रोग्राम में वेठियो आन असानी खुशनसीबी है। आपा के अल्लाह सही जिंदगी दे। वेलकम कयूं था माशाल्लाह सां असांजी सिंध जो फ़खुर आहिनि सीमा बासी साहिबा सुर्ख सलाम सुबुह जी आवाज़ जी पूरी टीम तरफ़ां ऐं डिज़र्व कयो था तव्हां मच मोर, जेतिरो एप्रिशिएट कजे घटि आहे। कीअं आहियो आपा? सभु खां पहिरीं ॿुधायो तबियत कीअं आहे? ॿुधायो हमीदा, ठीकु आहे तव्हां? बिल्कुलु ठीकु, तव्हांजे साम्हूं आहियां। आपा असां ॼाणण चाहियूं था पहिरियों दफ़ो जॾहिं कैंसर जी ख़बर पई तव्हांखे ऐं उहे लम्हा छा हुया? आऊं ज़रूरु ॼाणणु चाहींदमि जॾहिं फस्ट टाइम नो हाउ थींदी आहे न इंसान खे त अहिड़ी मूज़ी मर्ज़ में आऊं मुब्तला थी चुकी आहियां त ओॾीमहिल छा महसूसु कयो आहे पा ओॾीमहिल? यकीन तकलीफ़ थी ऐं पर जेकॾहिं इन तकलीफ़ खे मां बहादुरी सां हौसले मंदी सां जेकॾहिं मुक़ाबिलो न कयां हा त ज़ाहिर आहे मुंहिंजा ॿार आहिनि उहे सफ़र कनि हा ऐं बिल्कुलु इन सॼे साल दौरान उन्हनि सफ़र कयो बि आहे, पर इन मतिलबु कैफ़ियत में जेकॾहिं मां मतिलबु हौसलो हारे वे हा त मूंखे मतिलबु ईअं महसूसु थिए हा त मुंहिंजे ॿारनि जो बाद में जेको आहे सो हौसलो वधाइण वारो कोई बि मतिलबु न हुजे हा। इन जे करे मां कोशिशि कई त बहादुरी सां इन मोज़ी मर्ज़ सां जंग जोटण जी कोशिशि कई ऐं उनमें अलाह साईं मूंखे सुरखरू बि कयो ऐं हिन वक़्तु मुंहिंजो कीमोथेरापी ख़तमु थी चुकी आहे ऐं मां मतिलबु कंहिं क़दुरु बहितर महसूसु करे रही आहियां। तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां मतिलबु मुंहिंजी बीमारी खां पोइ मूंखे मौक़ो ॾिनो त मां पंहिंजा जेके बीमारी जे दौरान जेके बि मतिलबु मां कैफ़ियतूं महसूसु कयूं इन माण्हुनि जा रवैया ऐं लिखण जे दौरान उन्हनि जो जेको हिकिड़ो रहियो ऐं प्यारु बि इलाही मिलियो हमीदा, तव्हां सभिनी जूं दुआऊं मूंसां गॾु हुयूं ऐं मां स्पेशली सर मज़हर जमील जी थोरायती आहियां। वक़्तनि ब वक़्तनि उहे मूंसां गॾु हूंदा हुया, हफ़्ते ॿिए हफ़्ते पुछंदा हुया, ॿिए ॾींहुं टे ॾींहुं पुछंदा हुया त
भाई जनाब आप कैसी हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं, दिल वडी थी वेंदी हुई। दिल वडी थी वेंदी आहे ना, उहो अहिड़ो वक़्तु हूंदो आहे अगर सपोर्ट हुजे समाज मां अहिड़ियुनि पर्सनैलिटीज़ जी, उनखां पोइ हिमत अफ़ज़ाई थींदी आहे, हौसलो वधंदो आहे त हा जीअणु घुरिजे, अञा ज़िंदगी बाक़ी आहे। त अलाह साईं तव्हांखे वॾी सिहत वारी ज़िंदगी ॾींदो इनशाला। ऐं छाकाणि त जदीद सिंधी जी ॻाल्हि कयूं पिया आप पाण, ऐं सर असांजे विच में मौजूदु आहिनि त उन्हनि जी तरफ़ हलण खां पहिरियां असांजे ईअं चवां त फैमिली मेंबर ऐं असांजी टीम जो हिकु अहम हिसो हाशिम हुसैन असां सां गॾु आहिनि। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम, गुड मॉर्निंग, कीअं आहियो हाशिम? वालेकुम सलाम अदी, गुड मॉर्निंग, अलहमदिल्ला बिल्कुलु ठीकु। ऐं बाक़ाइदा अॼु तयारी सां आयो, आपा जी शायरी खे असां ॻाईंदासीं, इहो आपा लाइ तोहफ़ो आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु, असांजे लाइ एज़ाज़ आहे, ख़ुशी थी आपा खे सही। त हाशिम हुसैन, असांखे ब्रेक जो चयो पियो वञे त व्यूअर्स साही जी तरफ़ वञूं था, साही ज़रूरी हूंदी आहे, साही खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं पंहिंजो जेको टॉपिक आहे उन ते ॻाल्हाईंदासीं। कारे न वञिजो, ॾिसंदा रहो सुबुह जो आवाज़ प्रोग्राम में असां सां तावन कयो आहे टेंग पारां, स्पेशली मुगल हाइब्रिड सीड, लैला ब्यूटी क्रीम, लैला ब्यूटी सोप, फॉर्मी सोप, लाइव बॉय शैम्पू। कारे न वञिजो, ॾिसंदा रहो सुबुह जो आवाज़। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक व्यूअर्स। एक दफ़ो वरी अवांखे भलीकार कयूं था सुबुह जे आवाज़ में, ऐं कोशिशि हूंदी सुबुह जे आवाज़ में आऊं, ॾाढो घटि टाइम वठां, पर जेके पर्सनैलिटीज़ असांजे विच में मौजूदु आहिनि उन्हनि खे वधीक टाइम ॾिजे। त हलूं था सर जी तरफ़, स्पेशली सैयद मज़हर जमील साहब असांजे विच में मौजूदु आहिनि, ख़ुशनसीबी आहे डेफिनेटली असांजी, ऐं आपा खे एप्रिशिएट कंदासीं उन्हनि जी ही लिखियल शायरी खे, असां हाशिम खे रेडी रखियो आहे, उहे उन्हनि जी शायरी खे ॻाईंदा। त पहिरियां जेको आहे, छाकाणि त स्पेशली सैयद मज़हर जमील साहब जी ॻाल्हि कजे, त आपा जेको ही बुक लिखियो आहे कुल्हे कांधी केर, इन किताब खे प्लीज़ फोकस कंदा असांजा कैमरामैन, त आऊं कोशिशि कंदमि जॾहिं जेको आहे फोकस खां पोइ असांजा व्यूअर्स बि ॾिसनि हीअ किताबु जेको आहे आपा छा सोचे करे, कहिड़ा ख़्याल ज़हन में रखी करे लिखियो, हिन जो जेको पेश लफ़्ज़ आहे उहो यकीन सैयद मज़हर जमील साहबु लिखियो आहे, अन पेश लफ़्ज़ में आऊं ॼाणणु चाहींदमि सभ खां पहिरियां त मज़हर साहबु, आपा ने जो इहे किताबु लिखी, इसमें आपने स्पेशली औरतों के जो मसाइल है पेश लफ़्ज़ में आपने वो ज़ाहिर की, मैं चाहती हूँ आप अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से हमें बताएँ, क्योंकि मेरा स्पेशली आज आप दोनों को देखते हुए ये मैंने टॉपिक रखा था कि एक औरत और मर्द का बा इख्तियार होना कितना ज़रूरी है, तो आपने स्पेशली औरतों के जो मसाइल हैं उन पर भी फोकस किया है, प्लीज़ सबसे पहले तो आप हमें इस हवाले से कुछ बताएं। देखिए, अब तो ये मौजू ऐसा नहीं है कि जिसे बहुत स्पेशल करके अलग कर दिया जाए, हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही अहम मौजू है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब औरत जो है वो ये भी गलत साबित कर चुकी है कि निस बेहतर से आगे बढ़ गई है, बल्कि पौन यानी निस बेहतर से नहीं रही, बल्कि निस बेहतर से बहुत आगे है, और इस बात का एतराफ़ किया जाने लगा है कि आप आलमी सतह पर देखिए कि फलकियात का मौजू ऐसा था जिस पर कि यानी कभी सोचा नहीं जा सकता था कि औरत भी आसमान पे चांद पे जाके कौन, लेकिन आज आप देखिए कि फलकियात के मौजू पर या एस्ट्रोनॉमी पर और सब जगह जहाँ मर्द पहुँचा है वहाँ उससे आगे औरत के भी, तो औरत और मर्द की तख़सीस इस एतबार से अब तो ख़त्म हो गई, बल्कि मैं ये कहूँगा कि औरत को कुछ फ़ीसद हिस्सा जो है ज़्यादा चला जा रहा है, और इसमें हमारे मर्दों की बड़ी वो हो रही है, मर्दों का मारा जा रहा, लेकिन ये एक एतराफ़ करना चाहिए कि पिछली सदी में पूरे 100 साल में औरत ने जितनी तेज़ रफ्तारी से तरक्की की है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, और पूरी तारीख में आप गिनेंगी तो एक दर्जन औरतें होंगी जिनको आप उंगलियों पर गिन सकती हैं, जैसे क्लोपेट्रा थी या ये थी, इस टाइप की जो ख़वातीन हैं वो एक दर्जन और ख़वातीन होंगी पूरी दुनिया में जिनको कि आप ये कहें कि साहब ये ख़वातीन थी तारीख, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज औरत की उम्र के हर हिस्से में, नन्ही से बच्ची से क्या आप तक देखें तो उसमें भी एक नुमाइंदगी मलाला की मिल रही है आपको जी, और आप किसी
जंग के मौजू पर देखें तो फौजी फौज जैसे जंगो जदल के मौजू में भी औरत पीछे नहीं है। अब वो घरेली हांडी चूल्हे का मामला नहीं रहा, नहीं रहा। हांडी चूल्हे में तो अब मर्द को ज्यादा हिस्सा बटाना चाहिए, औरत उससे बाहर निकल आई है। तो मैं समझता हूँ एक कायाकल्प हो चुकी है औरत की, और औरत को उसका सही मुकाम मिलना चाहिए, और औरत ले लेगी और ले चुकी है और ले रही है। सही, मैं तो यही अर्ज कर। सही, थैंक यू सर। और इसी हवाले से जो बुक है आप सीमा तांजी जी का ही किताब है, और चाहिंदम असांजा व्यूअर्स जाहिरन तवां के बुधन चाहिंदा ता जे सिचुएशन के फेस करे आज असांजे विच में मौजूद आयो त उहे मानू जेके जिंदगी खा मायूस थी चुका हन ए उहे एड़े किस्म जी बीमारियन के भी अगर फेस कन पिया, कैंसर आहे या जेके बियो बीमारियो आहन जिन जो इलाज भी मुमकिन आहे, प्लीज असांजे उनन नाज़रीन के बुधायो तव्हां कहिड़े नमूने सां हिम्मत अफ़ज़ाई कई आहे। उन्हनि खे बि हिम्मत न हारणु घुर्जे, हिक औरत थी करे तव्हां बाक़ाइदा जंग विढ़ी आहे। जी बिल्कुलु हमीदा, मां इहो चवंदमि त बीमारी काई बि हुजे या ॾुखियो वक़्तु कहिड़ो बि हुजे, जेकॾहिं इंसानु हौसलो हारे वेहंदो त कुझु बि कोन करे सघंदो। त बीमारी जी जॾहिं मूंखे ख़बर पई उन खां पोइ ज़ाहिर आहे शुरू में स्टेज बि थर्ड बि हुई, त उहा मतिलबु डॉक्टर साहिबु जेको मुंहिंजो ऑन्कोलॉजिस्ट हुयो इतफ़ाक़ सां तव्हां ॻाल्हि कई ऐं उनखे मां चयो, पर उहो कोविड जी वजह सां आइसोलेट थियलु हुयो त अची न सघिया। डॉक्टर अदनान अब्दुल जब्बार मुंहिंजो ऑन्कोलॉजिस्ट हुयो, उन पहिरियां त मूंसां मतिलबु मीटिंग कई त हीअ शइ ईअं आहे ऐं तव्हांखे हाणे मतिलबु सॼो जेको आहे सो ॾिसणो आहे, त मां तव्हांखे जेको आहे सो का उमेद नथो ॾेई सघां। ज़ाहिर आहे उहो ॾींहुं असांजे लाइ तमामु हिकिड़ो ॾुखियो ॾींहुं हुयो। हा बिल्कुलु, मुंहिंजी नंढड़ी जेकी हुई मूंसां गॾु हुई त मतिलबु असांखां असां रोई रहिया हुआसीं ऐं बेख़्तियार जेको आहे सो मतिलबु कैफ़ियत अहिड़ी हुई, छो त डॉक्टर जॾहिं इहा शइ चए थो त पोइ मतिलबु हुन इहा ॻाल्हि कई त कीमोथेरेपी खां पोइ मां तव्हांजो जिस्म जेको आहे कीअं रिएक्ट करे थो, तव्हां कीअं रिएक्ट कयो था, उन खां पोइ ई मां तव्हांखे उमेद ॾेई सघंदमि। त ज़ाहिर आहे थोरी असां इहे ॾुखी मतिलबु हिकिड़ी इहा शइ बर्दाश्त करणु असांखे ॾुखियो लॻे पियो, पर बहरहाल फैमिली जे हवाले सां मां इहा चवंदमि त मुंहिंजी जेकी नंढड़ी हुई उन ॾाढी हिमत सां, छो त उहा डॉक्टर थियण वारी आहे, चौथे साल में MBBS जे पढ़ी रही आहे, त उन सभिनी शयुनि खे तमामु हिकिड़ो सुठे नमूने फेस कयो ऐं चयूं त ममा कुझु बि न आहे, तव्हां मतिलबु ॾाढो उन हौसलो ॾिनो। ऐं उन खां पोइ जॾहिं मुंहिंजी कीमोथेरेपी शुरू थी त शुरू वारनि सेशन्स में ज़ाहिर आहे तकलीफ़ इलाही हुई ऐं ब्लीडिंग बि थींदी हुई, जीअं तव्हां सवेर ॻाल्हि कई सभिनी शयुनि जी, ऐं तव्हांखे मां इहो ॿुधाईंदी हलां त मूंखे कॉलन कैंसर हुयो। सही जी, वॾी जेको आहे सो आंत जो या आंड्रे जो कैंसर उहो हुयो, ऐं उहो हमीदा मां सम्झां थी त असांजी जेकी हिकिड़ी मतिलबु लिविंग स्टाइल थी वियो आहे, ओवरऑल असां सभिनी खे सम्झण जी ज़रूरत आहे त खाइण पीअण में जेको एहतियात माण्हू नथो करे, होटलिंग घणो थो करे, या आराम पसंदि हिकिड़ी लाइफ थी वई आहे, वर्ज़िश खे टाइम नथो ॾिए, या मुख़्तलिफ़ ॿियूं शयूं आहिनि जीअं शुगर आहे जेको आहे सो ब्लड प्रेशर आहे, उन में जेकॾहिं तव्हांजो जिस्म वीक थो थी वञे त इहे शयूं जल्दी अटैक कनि थियूं। त इन हवाले सां असांखे पंहिंजो लाइफ स्टाइल चेंज करण जी बि ज़रूरत महसूसु करणु घुरिजे। त बहरहाल उन खां पोइ छा थियो जो मतिलबु आहिस्ते आहिस्ते मुंहिंजो जिस्म रिस्पॉन्ड कंदो वियो, ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो सभिनी जे सिंधवासियुनि जूं इलाही मूं ॾे मतिलबु दुआऊं रहियूं आहिनि, ऐं मां जीअं ॿुधायो सर्जन जो इलाही सर्जन डॉक्टर फ़ातिमा हसन, अदी मेहताब, अकबर राशती या मुख़्तलिफ़ ॿिया जेके माण्हू आहिनि जिन जा नाला मूंखे हिन वक़्तु ज़हन में नथा अचनि, पर वक़्तनि ब वक़्तनि उहे मूंखे यादि कंदा हुया। ऐं अदी शबनम गुल आहे, उहा बि तवातुर सां मूंसां राब्ते में रही, त सभु हौसलो वधाईंदा रहिया। हा सर अदल सुमरो आहे, सर अयाज़ गुल आहे, मतिलबु उहे उन्हनि जो इहो ख़्यालु हो त तव्हां अकेला न आहियो, ईअं सम्झो असां जेको आहे सो तव्हांजे लाइ दुआऊं करे रहिया आहियूं, ऐं तव्हांखे मतिलबु इहा जंग जेकी जोटणी पवंदी तव्हांखे मतिलबु असांजा हौसला तव्हां सां गॾु आहिनि, ऐं इहा इलाही हमीदा आथत हूंदी आहे दिलि जो ई इन टाइम में, जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो माहौल क्रिएट हिकिड़ो थी थो वञे, ऐं वक़्तनि ब वक़्तनि तव्हां ॾिठो हूंदो मूंखां इलाही जेके माण्हू आहिनि पुछणु आया ऐं उन्हनि जी महिरबानी आहिनि, हिन वक़्त ताईं बि इहो सिलसिलो
जारी आहे त इन कंडीशन में उन्हनि जूं जेके दुआऊं ऐं उन्हनि जूं दिलजोयूं या उन्हनि जी जेकी आहे आथतूं तमामु वॾो इन जंग खे जोटण में वॾो किरदारु अदा कयो। मां कुझु बि कोन कयो आहे, उन्हनि जी दुआउनि ई मूंखे बचायो आहे। माशाल्लाह, बिल्कुलु। ऐं इहो हिकु हक़ीक़त बि आहे व्यूअर्स, जॾहिं असां सिर्फ़ु सफ़ा अकेला सम्झंदा आहियूं या अहिड़ी का बीमारी में मुबतला थींदा आहियूं, ख़ुदा न ख़्वास्ता, त जॾहिं ॿिए कंहिंजी हिमत अफ़ज़ाई मिले ऐं एतिरो सिर्फ़ु थोरी लफ़्ज़नि जी सपोर्ट बि मिली वेंदी आहे न, हिकिड़ो हौसलो अची वेंदो आहे त यार न, असां अञा जी सघूं था। ऐं छो मां एॾो हिमत हारण वारो त आहियां कोन, त इहा हौसला अफ़ज़ाई आपा खे मुख़्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ मां मिली, स्पेशली जेको आहे सैद मज़हर जमील साहबु आहिनि, आपा महताब अकबर राशदी आहिनि, ईअं ई खोड़ पर्सनैलिटियूं जिन खे असां लाइव बि एप्रिशिएट कयूं था। माण्हू मूंखां पुछंदा हुया त तव्हां मतिलबु बीमारी जे दौरान घणो छो था लिखो? मां उन्हनि खे सदा इहो चयो त ॾिसो मां छा कयां, जेकॾहिं लफ़्ज़नि सां मुंहिंजो हिकिड़ो मतिलबु दोस्ताना हिकिड़ो रवैयो रहियो आहे ऐं मूंखे इहो ई करणु अचे थो त ज़ाहिर आहे इन कैफ़ियत में अंदर जी हिकिड़े मतिलबु तकलीफ़ खे ॿियो कहिड़े नमूने इज़हारे सघिजे थो, ज़ाहिर आहे। त पोइ मां घणो लिखणु शुरू कयो ऐं मुख़्तलिफ़ मतिलबु रिसाल जी मां एडिटर बि रही आहियां, काफ़ी एडिटोरियल अहिड़ा बि लिखिया जिन ते मूंखे इहो चयो वेंदो हो त तव्हां त मतिलबु हिन वक़्तु एतिरी माना ॾुखी जंग जोटे रहिया आहियो, उनजे बावजूदु तव्हांखे एॾा मतिलबु आथतुनि वारा या हौसलेमंद जेके लफ़्ज़ कीअं था निकिरनि? पोइ ज़ाहिर आहे मतिलबु इहो हौसलो जेकॾहिं न हुजे हा त हिन वक़्तु मां इन जंग खे जोटे जेको आहे मतिलबु हिन वक़्तु तव्हांजे साम्हूं न वेठल हुजां, न वेठल हुजां। डेफिनेटली काइंडली मूंखे गाइड कयो वञे, छा ब्रेक जो वक़्तु न आहे? छो जो मुंहिंजी कोशिशि आहे ब्रेक आहे। ओके व्यूअर्स, हलूं था ब्रेक जी तरफ़ ऐं ब्रेक खां पोइ जीअं ईंदासीं, हाशिम हुसैन हिकु कलाम रेडी रखियो आहे आपा जी शायरी जो, उहो ईंदे ई ॿुधंदासीं, छाकाणि त असांजे विच में जेके पर्सनैलिटीज़ आहिनि उन सां जॾहिं ॻाल्हाइजे थो दिलि नथी चए त चुप कजे। हलूं था ब्रेक जी तरफ़ ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं। प्रोग्राम में असां सतावन कयो आहे टेंग फॉर्मी सोप, लाइफ बॉय शैम्पू, मुगल हाइब्रिड सीड मिलन मसाला, लैला ब्यूटी सोप, लैला ब्यूटी क्रीम असां सतावन कयो वियो आहे। काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहो सुबुह जो वेलकम बैक व्यूअर्स। हिकु दफ़ो वरी अव्हांखे सुबुह जे आवाज़ में भलेकार कयां थी। जिते बि हुजो शाल ख़ुशि हुजो, मुस्कराईंदा रहो, ज़िंदगी ॾाढी ख़ूबसूरत आहे। ऐं नंढियूं नंढियूं मुश्किलातूं अगरि ज़िंदगी में अचनि थियूं त उन्हनि खे फेस करणु सिखो। इहा ई ज़िंदगी जी हक़ीक़त आहे त ॾुख सुख ज़िंदगी में ईंदा रहंदा आहिनि। त व्यूअर्स, असांजे विच में जेके पर्सनैलिटीज़ मौजूदु आहिनि, सैद मज़हर जमील साहिबु आहिनि, आपा सीमा साहिबु आहिनि, ऐं ज़ाहिरनि सर मौसीकी जो है रूह की ग़िज़ा, हर किसी को मौसीकी से लगाव होता है। आप दोनों की नज़र करती हूँ, एक कलाम हमने रेडी रखा है, चलते हैं। हाशिम हुसैन कहिड़ो कलाम आहे, स्पेशली आपा जी शायरी आहे, प्लीज़ असीं डेडिकेट कयूं था सैद मज़हर साहब खे या आपा खे।
बांध फसाए पहे थे पहजा बांध फसाए पहे थे सपनन के तड़पाए पहे थे सपनन के तड़पाए पहे थे बिल्कुल तहां इन मां अंदाज़ो लगाए सको था सर मज़र के केतिरो पसंद आयो तव्हांजो कलाम। अच्छा हाशिम हुसैन की ये ख़ासियत है कि कभी भी किसी भी वक्त उनको कोई शायरी दे दे और उसको अपने ऐसे लिरिक्स बना लेते हैं कि दिल चाहता है कि बंदा सुनता ही रहे, तो बहुत एप्रिशिएट करते हैं हाशिम हुसैन का साथ ही है त असांजो प्रोग्राम एतिरो खूबसूरत आहे। स्पेशली अहिड़ा अदीब अहिड़ा शायर असांजे विच में हुजनि
माहौल थोड़ो गमनाक थी वियो पर मुझे लाइ चयो वेंदो आ त तां जको आ जे सवेर तां सुबह गाल कई जी त ताए किताबन जो नाला एडा हॉरिबल छ हुंदा हां बिल्कुल हां उई सोचा भई आपकी दाद तो मुझे दो तरीके से देनी चाहिए जी। एक तो आपने बहुत अच्छा खूबसूरत आवाज आपकी और बड़े अच्छे से गाया, दूसरी इतनी जल्दी आपने उसकी जी जी सर लय बना ली, तर्ज बना ली। यानी गाने के लिए तर्ज का होना और लय का होना बहुत जरूरी है, वो आपने कैसे बनाई ये तो बड़ी फनकारी की बात। कोशिश है और एक कुछ कुदरत की देन है, सुभान अल्लाह, तो हमारा कुछ नहीं है इसमें। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो ऐसे लफ्ज लिखते हैं तो यामत खुद ही हो जाती है। क्या बात है, आई यह खुशनसीबी आए ना, शायर सामो बैठो हो जी सर, आई शायर जी शायरी के गायो बने, ये बड़ा शानदार हो गया ना। नहीं इसमें और भी एक बात है, फिर अगर ये मुझसे पूछा तो नहीं गया, मैं खामोखा इसमें नहीं, नहीं, कि आपकी आपकी गायकी को सुनने के बाद आपने इनकी गजल गाई तो मैं उनको भी दाद इसकी देता हूँ। आदमी यानी अपने अपने शायरी में ऐसा तरन्नुम रखे, गायकी का अंदाज भी रखे, उसमें सिर्फ लफ्ज ना हो बल्कि तरन्नुम हो, मौसीकी हो, तो वो आपने देखी कि इनके कलाम में मौसीकी है, तरन्नुम है, वो आपने बयान किया। उंगलियों से लिखे निकले हुए लफ्ज ना हो, दिल से निकले हुए लफ्ज, माहौल जबरदस्त हो चुका है, सही खुश थी वही दिल, चेंज थोड़ा सा हो गया ना हमारा माहौल, वो चेहरों पर जो है स्माइल आ गई, क्योंकि आपा की जो हम जिंदगी से बात कर रहे थे उनकी ज़िंदगी के हवाले से, स्पेशली बीमारी के हवाले से, हम सब अपसेट हो गए थे ना थोड़े से, लेकिन आपा की शायरी को इन्होंने जिस तरह से पेश किया, फिर सर जिस तरह से रिवर्स तारीफ़ करन पे आता है, एकड़ो माहौल ठही वो खुशी जो आई ना, खुशी के माहौल के अना आऊँ समझा थी, तो जानदार तदें ठाईदी जैसे अड़े किस्म जहाँ जो अदीब आन शायर आन लेखक आन उन्होंने स्पेशली सिंध से खास कम किया जान चाहें थी सर की जिंदगी के हवाले से। सर आपने अपनी ज़िंदगी में लिखने का आगाज़ कब किया था, स्पेशली मैं तो ज़रूर जानना चाहूँगी किस उम्र से किया था जी। हाँ मैं अब मुझे ये याद तो नहीं आता, लेकिन बहुत स्टूडेंट लाइफ से हमने अदब ही से ताल्लुक़ था मेरा। सही। मैं 48 के बाद सक्खर ही में जी सेटल हुआ था और हमारी मैंने बाकायदा अपनी मैट्रिक तक सिंधी बाकायदा पढ़ी है और लिखी है, तो हमारे दोस्त अहबाब सारे वो हल्का वही था, हमारे दोस्तों के हल्के में शेख हयाज रशीद भट्टी वगैरह वगैरह ये सब सक्खर के जो लोग थे। एक यानी सिंध में सक्खर एक ऐसा शहर था कि वहाँ पर दो तीन मरकज़ थे जिसमें सुबह से शाम तक अदीबों का जमा होना ज़रूरी है जी, और शाम को तो ख़ास तौर पर घर से हर शख्स बाहर निकलता है टहलने के लिए, इसलिए कि इतनी गर्मी होती है, गर्मी नहीं बैठ सकती, तो रोज़ यानी अदीबों से मुलाकात आपस में होना ही दूसरे, तो ये सिंधी और उर्दू का कोई फ़र्क हमारे यहाँ नहीं था अदीबों में राइटर्स में। और शेख हयाज जहाँ सिंधी के बहुत बड़े शायर हैं और वहाँ उर्दू के भी बड़े शायर हैं बिल्कुल, और उन्हें उर्दू वालों ने उसका सही वो दिया भी है और उसकी उनकी शायरी को उर्दू की शायरी को भी तस्लीम किया है जी, जी, बिल्कुल। तो ये है कि ये अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं रह सकता, इसी से अब आप देखेंगे इनकी शायरी है और उसमें अब आप देखें तो कितने दो इनके मजमूए शायरी के शाया हो चुके पहले से और उन्हें खासा पजीराई भी मिली बिल्कुल है। बिल्कुल सर, लेकिन अफसानों में भी जी जी बिल्कुल, अफसानों के हवाले से और स्पेशली जदीद अफसाना फिक्शन सिंधी के हवाले से मैं आपसे सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, आपा से भी बात करेंगे, पर साही ज़रूरी होंगी आए ना व्यूवर्स, न्यूज़ ब्रेक जो वक्त थी चुको है हलूँ था और न्यूज़ ब्रेक की तरफ आई, ब्रेक का पोई इंदासी पांजे इतने बेहतरीन मेहमानन सा कचेरी यहीं जारी रही काडे नवन जो दिसना रहो सुबह जो आवाज़ गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूवर्स, एक दफो वरी अवां सबनी के भलीकार सुबह जे आवाज़ में आई असा सा गड सैयद मज़र जमील साहब आहन आई स्पेशली जे को आहे अजो को प्रोग्राम असा ई चेजे त डेडिकेट कयो आ सीमा अब्बासी साहिबा के असा जे विच में मौजूद आहन आई कोशिश आहे त वद खां वद बिन्ही शख्सियतन जे तजुर्बे मां असा कुछ सिखी पाऊं। आशूबे सिंध
सैद मज़र साहब जो लिखल किताब उन मां अंदाजो लगाए सकजे तो सिंध के अदब से उन्होंने केतरी ये चाहिए खिदमत रही है। तो सर मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपकी जो किताब है मुख्तलिफ़ आपने किताबें लिखी हैं आशूब सिंध पर अगर नज़र डाली जाए मज़ाहमती हवाले से आपने जो चीज़ें डाली हुई मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हमें अपने उस किताब के हवाले से भी बताएँ और हमारे जो व्यूअर्स है वो सुनना चाहते हैं आपको। जी सर। हाँ दरअसल ये है कि मेरी पहली किताब जब मैं जी सिंधी अदब चूँकि मैं सिंधी अदब पढ़ता था तो बहुत कम उर्दू में सिंधी अदब का तस्करा हुआ और कुछ तस्करा जी भी हुआ तो उसमें ये इस तरह से था कि हाँ सिंधी में भी कुछ लोग लिखते हैं सही। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि मुझे तो ये लगता है मिर्ज़ा खलीज बेग के बाद नसर निगारी जब शुरू हुई जी तो बहुत अफसाने भी बहुत ज़बरदस्त लिखे गए और सिंधी का पहला अफसाना निगार आसानंद मामतोरा वो जो है 1920 के में उनका मजमू आ गया था जब गया था और उसके बाद से अफसाने लिखे गए शेख हयाज के अफसाने पार्टीशन के बाद तो सबसे ज़्यादा पहला अफसाना शेख हयाज का आया जी और उनकी किताब आई और फिर उसके बाद मुख्तलिफ अफसाना निगार पैदा हुए और बहुत तेज़ी के साथ। लेकिन ये जो 20वीं सदी में तो काफ़ी कुछ अफसाना लिखा गया सिंधी का बहुत बड़ी तादाद में लिखा गया और काफ़ी लिखने वाले भी आ गए कई नस्लों कम से कम 3 या 4 नस्लें ऐसी पैदा हो गईं जो कि अफसाना निगारी में खसूसियत रखती थी। अच्छा फिर उन्होंने सब कुछ नहीं एक दूसरे की नकल में नहीं लिखा बल्कि मौजूआत का अपने अहद के मौजू पर लिखा। सही, अब सही। मैं जो असल में जो बयान करना चाहता हूँ वो है कि 21वीं सदी जब आप जी तो 20वीं सदी के जो मौजूआत थे वो पूरे अफसाने के सिंधी अफसाने में लिखे गए। 21वीं सदी में पोजीशन क्या हुई है कि 21वीं सदी में सिंधी अदब का पूरा एक जो मंजरनामा है वो बिल्कुल तब्दील हो गया और वो तब्दील यूँ होगा कि उसमें एक आलमी सतह पर पैदा हो गई। सही। पहले तो ये था कि ज़्यादा सिंध में सिंधी अदब लिखा जा रहा था या यहाँ से जो हिंदुस्तान में चले गए राइटर्स अजमेर में बॉम्बे में मद्रास में तो ये लोग नहीं लिख रहे थे तो या तो यहाँ लिखा जा रहा था या बॉम्बे में लिखा जा रहा था और तो कहीं नहीं लिखा। लेकिन 21वीं सदी में जब हम दाखिल हुए तो मालूम हुआ कि साहब दुबई भी सिंधी अदब का एक मरकज बन गया है। सही। मैंने खुद न्यूयॉर्क के सिंधी अदबी हलके में शिरकत की है वहाँ मुझे बुलाया गया मेरी तकरीर करवाई गई मैंने सिंधी अदब पर गुफ्तगू भी की और उन्होंने भी मैं वहाँ के सिंधी राइटर से मिले और कोई ऐसा सिंफ़ अदब नहीं है कोई ऐसा शोबा अदब का बाकी नहीं रहा जिसमें सिंधी में किताबें नहीं लिखी गई हो। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि सिंधी जो है पाकिस्तान में सिंधी ज़बान का अदब जो है बहुत रिच है और बहुत वसी है उसमें वसत भी है और गहराई भी है और मौजूआत की तनव्वो भी है। सही। और अच्छा अब पहले ये था कि साहब ख्वातीन कम आती थी और जब आती थी तो उन्हें लाइमलाइट किया कर लिया जाता था उठा लिया जाता था और उनकी शोहरत हो जाती थी और जैसे अब आप देखिए कि हमारे यहाँ सिंधी में शुरू में लोग जो आए तो उनकी बड़ी आवभगत हुई और उनका नाम लिया गया। लेकिन अब 20वीं सदी में 21वीं सदी में आप आइए तो देखिए कि हर तीसरा लिखने वाला खातून जो है वो उनकी काफ़ी कसीर तादाद पैदा हुई और फिर मौजूआत भी उनके वो नहीं रहे घरेलू कि चुटकुलों पर नहीं चल रहा हो नहीं बल्कि वही सारे मौजूआत जो मर्द अफसाना लिखता तो वो मौजू बनता औरत के यहाँ भी है तो ये अब खानों में आप नहीं बार सकते मर्दाना अदब और जनाना अदब ऐसा नहीं है सारे मौजूआत जिस पर के मर्द लिख सकता है उस पर औरतें भी लिख रही हैं और खूब लिख रही हैं। सर फिर भी देखा ये गया है कि औरतों को जब फिक्शन में आती हैं तो उनकी पजीराई मर्दों से मतलब या तो फिर कम आती हैं या फिर इस सूरत हाल में भी उनकी जो पजीराई वो होनी चाहिए वो नहीं उनको मिली क्योंकि आपका क्या लिख रही है अगर वो ये ख्याल है कि नहीं हो रही है। अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है
अब इसकी वजह यह है कि औरतों का में तालीम का वो जो था वो कम था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है जी। अब आहिस्ता आहिस्ता पहले पहले तो देहात की औरत शहर में आई और हमने अदब में शहर की औरत को शामिल किया। बिल्कुल, शहर की औरत जब आई तो शहर वालों ने लिखना शुरू किया, तो उन्होंने जो मसाइल पर लिखना शुरू किया वो सारे मिसाइल। तो अब मैं आपकी मिसाल देता हूँ कि सीमा बैठी हुई हैं, अब इन्होंने क्या लिखा, इनके अफसाने मुझे किसी भी एतबार से खातून के अफसाने नहीं लगते। एक अफसान निगार है, बिल्कुल बिल्कुल। अब इनका एक अफसाना है, माँ भी हक बख्शाइंदुर जी जी है ना जी, क्या है माँ भी हक बख्शाइंदुर। अब ये एक सिंध का एक सिंधी तहजीब और कल्चर का बिल्कुल, एक बहुत डार्क पहलू है। उस पर अफसाना आपने लिखा है और आज के अहद को जिंदगी को सामने रख के लिखा है, तो ये आपको क्रेडिट आपको जाएगा। ये किसी कोई मर्द इस पर नहीं लिख सकता था। क्या बात है, इस पर मर्द नहीं लिख सकता था, आप लिख सकती थी। और मैं समझता हूँ कि आपका ये अफसाना सर, अति शबनम ने भी ये इस अफसाने के हवाले से यही कहा था कि ये अफसाना तो मौजू तो पुराना है मगर ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। जी हाँ, तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये पिछले 20 साल के अंदर 25 साल में इससे बेहतर अफसाना नहीं लिखा गया। क्या बात, बहुत बहुत बड़ा अफसाना है। और जब भी इंतखाब होगा उसमें ये अफसाना आपका शामिल किया जाना चाहिए। शुक्रिया सर, क्या बात है। लाइव सर ने ये बात कह दी और मेरे ख्याल से सैयद मजहर जमील साहब तरफा एप्रिसिएशन आपा लाइ मिलन एक बड़ी गाल मुझे ला एजाज आए मां सर जी थोराए थी आया हमेशा जेको आ बीमारी जे दौरान भी सर जो साथ जेको आए मुझे लाए तमाम वडी डड है आथत जो बायस रहयो आए आए लिखण जे हवाले सा भी मां सर जी शागिर थण में मां पांजो मतलब खुश नसीब भी समझा सर सा मां बिल्कुल मशवरत कंदी रही आया एक आपा मुझी आ जे नाले मां इंतजार शमशाद सोलंगी मुझी शुरुआती दौर की जी है नंढपण की टीचर रही है किताब उन्होंने डेडिकेट किया है खुश नसीबी सर मजहर जमील जेड़ा आपा शमशाह सोलंगी जेड़ा सर नवाज अली शोक जेड़ा मुझे उस्ताद रहा है मां मतलब उन्हें जी थोराए थी हैं इन मकाम ते पहुंचाने में उन्हें जो जो पुल जो किरदार उन्हें अदा कयो है। क्या बात है, ते उस्ताद चवंदा हजमोला अली जो कोल भी आए जी एक लफ्ज पे सिखारे ओ ता जो उस्ताद आए पर आपा जेड़े नमूने सा बुधाइन पयो इन उस्तादन जी इतनी सपोर्ट रही ता के यकीनन वे डिजर्व कन था ता उन्हें के लाइव एप्रिशिएट कयो हमीदा मां तो ये चंदम मां कुछ भी कोन कयो आ उनन जी मतलब एकड़ी रहनुमाई हुई त मां हन मकाम ते पोती आ मु कुछ भी कोन कयो आ जेकने उनन जी रहनुमाई न हुजे हाय त मां समझा थी त मखे अन्या जको सो मतलब एकड़ो तकलीफ वारी एकड़ी कैफियत कैंसर जे दौरान भी उनन जो इलाही साथ रहयो उनन जी आथत मुसा गड गड शामिल रही ए मां लिखंदी रहम बल्कि भरपूर लिखंदी रहम जेते सबनी के हैरत भी आए त मानु बीमारी में जको सो साइड में हल्यो वेंदो ता वरी अगे खा अगरा थी अफसानन जे एकड़े दुनिया में जको वरी ता मतलब शायरी खा पो फिक्शन जे यो तो इलाही सुठो थियो ना मजर साहब अगर देखा जाए बीमारी के आलम में बंदा और दिल करता है कि लिखे तो एक तो ध्यान भी बटा रहता है इंसान का और उस तरफ ध्यान नहीं जाता कि हाँ वो बीमारी भी कुछ नहीं भाई उसको इग्नोर किया आपा ने और उसको कोई हैसियत ही नहीं दी कि आप भी कुछ हो भाई जो हो सो हो वो खत्म हो जाना है उसने सही, तो आपा तां वाकई वेल डिजर्व कयो था अज अगर ही प्रोग्राम आपा असांजे सामूं आहे मां समझा थी तो ये असांजी खुशनसीबी आए आपा बिल्कुल सेहतयाब थी असांजे सामूं आई है आपा मां आगाज में जेको जे टॉपिक जी गाल कई उन सां ही रिलेटेड सर जो गालियों भी आइन तवां जो त औरत ऐं मर्द जो बाइख्तियार हुजण आऊं समझा थी तमाम ज़रूरी आहे किथे किथे अगर असां हाणे बि नज़र विझूं त उते औरत बाइख्तियार नाहे त तव्हां हिकु औरत थी करे किथे था ॾिसो इन शइ खे हमीदा मां त इहो चवंदमि त किथे औरत बाख़्तियार न आहे किथे वरी कंहिं हंध ते मर्द बि जेको आहे उहो तकलीफ़ में आहे ॿिन्ही जी ॻाल्हि बैलेंस सां कजे त बहितर आहे पर इहो आहे त औरतूं वधीक मज़लूम आहिनि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छो त असांजो जेको आहे
मतलब गोठन जो जके औरतूं तालीम जो रेशो तमाम घट है औरतुन में तो उते वधिक औरतुन सा इस्तेहसाली जो रवैयो आ रवा रखियो तो वने इन हवाले सा जको आसो औरतुन के एम्पावर करणी वधिक जरूरत महसूस करण घुर्जे आए हर घर में मां तो यो चवंदी आया तो जेकर मर्द साथ दे तो औरत जो पो भा जी सूरत में पी जी सूरत में मुड़स जी सूरत में तो उहा औरत एम्पावर थे थी आए उन के जेकरे मुआशी तौर ते वधिक मतलब भड़ कयो तो वने उन सिलसिले में के एकदमा तो वरता था वने तो उहा वधिक पावरफुल थी साबित थे थी साबित थे थी जी तो इन हवाले सा जेको आ मर्दन के पांजो किरदार जिम्मेदारी जे तौर ते वधिक फाल अंदाज में अदा करनी जरूरत आए सो असा वट इो थे कोन तो बदकिस्मती सा इन जे करे जो पो औरत वधिक भोगे थी हाँ जी ऐसो मां पांजी गाल क्या मुझे मुड़स तो बिल्कुल इन हवाले से हौसला अफजाई कई पर वरी मुझे पेकन वाली साइड या मुझा भायर जेके आएं उन्हें बिल्कुल मतलब साथ न दिनों बल्कि इवन इन हवाले सा जो आते पाबंदी तो भाई लिखण जरूरत कड़ी आ या कि ऐसो मतलब लिखण पर कें भी शोबे में कें भी तबका फिक्र जहाँ मानू होजन या वरी कड़े भी मौजू ते का औरत कम करना चाहे उनके जेकने घर जी तरफा सपोर्ट नथी मिले तपो औरत एकड़ी परेशान भी थे थी आ वो खुली करे पांजी माना सलाहियतन जो जको इजहार वो बेहतर नमूने से नथी करे बल्कि तां जे वाले सा पढ़यो भी होयो आऊं चाहिंदा भी नथी आऊं अधिक भी डिटेल में अची तां सा गलहां थी पर ब्रेक वठन जरूरी हुंदा है वां जी इजाजत सा विवर हलों था नंडी साही जी तरफ आई साही ते वणन खा पेरे असी तमाम घणा शुक्रगुजार आहूं प्रोग्राम में जिन असा 57 कयो आ हिटिंग पर असा 57 कयो आ बिलन मसाला लैला ब्यूटी सोप लाइव वॉय शैम्पू उन अलावा लैला ब्यूटी क्रीम मुगल हाइब्रिड सीड असा 57 कयो कारे नवन जो दिसना रहो सुबह जो आवाज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक व्यूवर्स एक दफो वरी अवां के सुबह जी आवाज में भलीकार कंदासी तमाम बेहतरीन शख्सियतूं असांजे विच में मौजूद आहिन गालहायूं पिया था खबर ही न पई पर टाइम ये गुजरी वयो आखिरी लम्हन में असीं पहुंची चुका आहियूं ऐं कोशिश कंदमि हिन लम्हन में भी असीं इन्हनि पर्सनैलिटीज़ खां कुझु सिखी पऊं सैयद मज़हर जमील साहब ने स्पेशली जो 1200 सिफात पर मुंडी एक स्पेशली सिंधी अदब के मुक़दमे को लिखा है उर्दू में ट्रांसलेट करके मैं उनसे जानना चाहूँगी सर सिंधी अदब को आपने उठाया उर्दू में ट्रांसलेट किया स्पेशली क्यों इतना फोकस आपने इसी लैंग्वेज को किया क्योंकि और भी लैंग्वेजेस हैं आप और भी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकते थे और साथ साथ एक और सवाल यहाँ पे ऐड करती चलूँ ताकि आप दोनों को मिला के मुझे जवाब दीजिएगा कि सिंध के हालात को इस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं जी देखिए बात दरअसल एक बहुत मैं चूँकि सिंधी अदब का मुताला भी करता रहा हूँ तो मैंने लोगों को बताने मैं ये चाहता था कि लोगों के सामने ख़ास तौर पर उर्दू दां तबके के सामने सिंधी अदब की सही सूरत हाल आनी चाहिए exactly. अब सही सूरत हाल का मतलब ये है कि आप जो लोग ज़िंदा रहे हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो मौजूद हैं उनको बताए कोई जाकर के भाई ये लोग हैं exactly. अब मिर्ज़ा कलीज बेग का एक बहुत बहुत बड़े आदमी थे मिर्ज़ा कलीज बेग लेकिन उनका सिंधी उर्दू बोलने वाले कम उनके बारे में जानते हैं लेकिन जब आप मिर्ज़ा कलीज बेग के कारनामे बयान करेंगे और उनकी किताबें पॉइंट 111 किताबें 121 किताबें उनकी हैं अब ये बताइए कि एक ऐसा आदमी जो कि बड़े ओहदे पर CSP ऑफिसर भी रहा है ये उस दर्जे के सरकारी अफसर रहे हैं जी। तो वो उस दर्जे की मुलाजमत भी कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर भी अपनी वो कर रहे हैं और उसके बाद किताबें भी लिख रहे हैं और किताबें भी इतनी ज़बरदस्त और वो सिर्फ यानी सिर्फ अदब की कहानी किताबें नहीं है बल्कि उन्होंने साइंसी मौजूदात पर भी किताबें लिखी फिक्शन का बहुत बड़ा नाम है फिक्शन पे भी किताबें लिखी नावेल और ड्रामे उनके जो हैं वो काफ़ी है तो ये लोगों को जब पता चला कि भाई ये इतना सारा मौजूद अब जब आप मिर्ज़ा कलीज बेग को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भाई और उनके साथी और भी थे मालूम है कि जनाब पूरी कम से कम दर्जन भर अदीब शायर ऐसे थे अदीब थे जो कि नसर निगारी कर रहे थे अफसाने लिख रहे थे और वो लिख रहे थे
शेख अयाज के हवाले से बहुत काम है और कर रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ पे उन्होंने बहुत रिसर्च की, ये काम किया अभी है, उनकी कहानी एक बुक है फैज़ जी के हवाले से। सर आपकी जो एक बुक आई है अभी फैज़ अहमद फैज़ की बात चल रही है, उस बुक के हवाले से भी हम जरूर। हाँ जी, मैं असल में फैज़ पर बहुत बहुत किताबें लिखी गई और जब मुझसे कुछ दोस्तों कहा भाई कुछ फैज़ पर काम आना चाहिए, तो मैंने कहा भाई अब क्या काम आए, इसलिए मुश्किल उन्होंने लोगों ने ये कर दिए कि आप पांव बचा के कहाँ से चलेंगे इतनी ज़्यादा। और वो ऐसे मौजू रिपीट कर करके शायरी, फैज़ की शायरी तो बहुत मुख्तसर है, इतनी ज़्यादा नहीं है दूसरों के मुकाबले में, लेकिन इसके बावजूद उसमें एक क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी को आप कितनी मरतबा करेंगे, कहाँ कहाँ गए, तो उस पर सैकड़ों किताबें आ गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई बात दरअसल ये, सबके बावजूद फैज़ की सवानी उम्री नहीं लिखी गई, बायोग्राफी नहीं लिखी गई। बायोग्राफी उसको कहते हैं कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, माँ बाप कौन थे, कैसे थे। तो अब जब हमने जब खोज लगाई तो मालूम हुआ उनके दादा तो अफगानिस्तान से आए थे। सही। उनके दादा अफगानिस्तान के जो नवाब थे उसके वजीर आजम थे। सही। जी अब ये सब मैंने वो किताब फिर फैज़ पर लिखी, जिक्र फैज़ वो तकरीबन काफ़ी ज़खीम किताब है। अब ज़खीम किताब जब मैं लिख रहा था तो मैंने ये कहा कि भाई फैज़ को बनाने में उनकी बीवी एलस का हाथ बहुत है। सही। यानी एक ऐसी खातून जो कि बरतानिया में पैदा हुई, होश वहाँ संभाला, अंग्रेज़ खातून, और वो हिंदुस्तान आती है जी। और उनकी एक बहन जो है ऑलरेडी यहाँ पर ब्याही हुई थी, अब मैं नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, तो वो उसे उनसे मिलने आई, तो यहाँ फैज़ से मुलाकात हुई, अमृतसर में वो मुकीम थे, फैज़ भी अमृतसर में उन्होंने कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे। तो उसके बाद तो एलिस ने जब वहाँ आई यहाँ तो वो खालिस उसने अपने आप को ये भूल गई कि मैं अंग्रेज़ हूँ और अंग्रेज था, और उसने अपने आप को खालिस पंजाबन ठेठ पंजाबन बना लिया। अब मैंने कहा कि असल तो किताब उस पर आई है, लिहाजा मैंने एलिस पर भी दो किताबें लिखी और वो भी बड़ी पिछले दिनों मुझे उस पर इनाम मिला और बड़ी उसकी पजीराई हुई। तो मैं यह कर रहा हूँ कि मौजूदात तो बहुत हैं लेकिन इसमें सोच विचार और मुताला काफ़ी करना पड़ता है बगैर उसके। सही। तो ये है। सही, ज़बरदस्त। और सर क्योंकि एक और सवाल था लेकिन उससे पहले आपा सीमा तान जी तरफ इनम जैसे ब्रेक ते वायासी तां एकड़ी गाल कई ते औरत के सपोर्ट अगर उन घर वारन का मिले थी तो उन लाई एकड़ी वडी गाल हुंदी आऊं किथे पढ़ियो हुयो तां जी और सारे इंटरव्यूज में ते मुखे जेको आहे डीमोटिवेट कयो वो घर वारन जी तरफा, उन जे बावजूद भी एतरी सुठी लिखाई ज़ाहिरा घर मां ही पावर मिलंदो आहे ना औरत के, पो हिम्मत किथां ई एतरी त मूंखे करणो आहे बस ऐं भले उन्हनि खे इग्नोर करे बि मूंखे हमी त मां मूंखे ईअं महसूसु थींदो आहे औरत ॾुखियुनि हालतुनि में पंहिंजी सलाहियतुनि खे वधीक पावरफुली तरह सां मतिलबु त ताक़तवर सघारे अंदाज़ सां ज़ाहिर करण जी हिकिड़ी कुदरती फितरती उन जे माना मिज़ाज में हिकिड़ी शइ शामिलु आहे। जीअं शाह साईं अक्सर मां इहो शेर बेत चवंदी आहियां, सुखनि वारी सिध मतारी मूं सी कयो अंदर जिन्हनि जो अध डूंगर से ॾोरींदियूं। त चवण जो मक़सदु इहो त शाह साईं बि जीअं चयो त औरत ॾुखियुनि हालतुनि में पंहिंजी जेकी हिकिड़ी तवानायूं या जेको सलाहियतूं वधीक सुठे नमूने सघारे नमूने एक्सप्रेस करे सघे थी ऐं ॾुखियुनि हालतुनि खे ई सीढ़ी बणाए उन मां निकिरण जी कोशिशि कंदी आहे। सुखनि में त ज़ाहिर आहे सहूलियतुनि में त हर कोई मतलब इज़हार करे सघे थो न, ॾुखियुनि हालतुनि में जेकॾहिं कजे त मज़ो त तॾहिं आहे इन हवाले सां जेको आहे सो मां ॾुखियुनि हालतुनि में तकलीफ़ थींदी आहे यकीननि थींदी आहे ऐं सब्रु इस्तक़ामत ई इंसान खे जेको आहे सो उन तकलीफ़ मां निजात ॾियाराईंदी आहे। त ॾुखिया हालत ॾुखियूं हालतूं मां बि फेस कयूं ऐं उनखां पोइ जॾहिं वरी फिक्शन जे हवाले सां मूं कमु करणु शुरू कयो त उन वक़्तु जेको मुंहिंजी मतिलबु तबियत इलाही ख़राबु हूंदी हुई
मां मतलब हे किताब अचण में भी इन जे करे थोड़ी लेट थी वही त मुझी तबीयत बिल्कुल इजाजत न पी दे पर पो मां मतलब वरी भी चवंदी हम त खबर ना अलै केतरी मुझी हयाती अलै केतरी हयाती हिंदू इंसान के जायरा त मां पूरो करे वठा बिल्कुल त इन हिसाब सा थी सके तो उनन नियन के भोगींदे मां नाला भी किताबन जायड़ा लिखया हन रख्या हन कुल्हे कांधी के जी किताब जे नाला डाडा ये खौफनाक लगन था इंसान के जो सो लिखण जो मां समझंदम त जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है जी तां पाण पांजी गाल कई त मां भी अजकल किताब लिखी रही आं अल्लाह तां के जो सो या हिम्मत दींदो स गड ईंदो असां ईंदो आं तां सां गड हन पर उनन ॾींहनि में जेकॾहिं रवैया जेके आहिनि पंहिंजे घर समेत अदब जे माण्हुनि जे जेके रवैया आहिनि उहे बि इलाही काउंट था कनि बिल्कुलु त हौसला अफ़ज़ाई जेकॾहिं घर खां मिलंदी या ॿाहिरियां मिलंदी त तव्हां अञा बहितर नमूने सां लिखी सघंदा त हिन हवाले असां ॾुखियायूं सुखियायूं मतिलबु ज़िंदगी जो ॾुख सुख हिसो आहिनि ऐं उन मां निकिरी करे जेकॾहिं को कमु कजे थो न उनजो मज़ो ई पंहिंजो आहे मज़ो ई पंहिंजो आहे बिल्कुलु त सिंध सां मुहबत जी अगरि ॻाल्हि कजे त यकीननि असीं रहूं सिंध में था पोइ भले लैंग्वेज असांजी कहिड़ी बि हुजे असां सभिनी खे सिंध सां मुहबत आहे ई ऐं सिंध जे हालातनि खे किथे था ॾिसनि सैयद मज़हर जमील साहिब खां इहो मां सुवाल कयो जेको आउं वरी करणु चाहियां पई उनजो जवाबु उन्हनि खां वठणु चाहियां पई सर अभी सिंध के हालात को आप कहाँ देख रहे हैं आप के जितना भी आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा रहा है जितना भी टाइम आपने यहाँ गुजारा है मैं चाहूँगी आपने जो पहले सिनारियो देखा था अभी का जो सिनारियो है ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ ना सिर्फ सिंध के बाकी जो मज़ाहमती अगर हालात देखे जाएँ उनकी नहीं सिर्फ जिसमें हमारी सेहत भी आ जाती है तालीम भी आ जाती है इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं आप कहाँ देख रहे हैं हमारी सिंध को देखिए सिंध पिछले 100 साल के अंदर एक बड़ी तब्दीली से गुजरा है और जो पहले बात की जाती थी कि सिंध का शुमार हम करते थे एग्रेरियन सोसाइटी में कि एग्रेरियन सोसाइटी जिसका के इन्हसास ज़मीन पर होता है काश्तकारी पर होता है तो देही और जागीर और इसे हम कहते थे जागीरदाराना माशरा जी तो अब ना तो जागीरदाराना माशरा रहा है और शहर डेवलप होने शुरू हो गए एग्जैक्टली यानी पिछली सदी के 1920 के बाद से जो छोटे छोटे गांव थे वो बड़े बड़े शहरों में तब्दील होने लगे मिसाल तौर पर पहले तो सिर्फ कराची था और कराची की आबादी बमुश्किल तमाम प्री पार्टीशन डेज में उन दिनों में जबकि शुरू में 100 साल पहले तो कराची की आबादी चंद हज़ारों पर थी सिर्फ लाखों में भी नहीं थी लेकिन उसके बाद आप देखें कैसे कराची ने तरक्की किया कि दुनिया के चंद बड़े मोबाइल शहरों में से कराची का तो सिर्फ कराची नहीं बढ़ा कराची नहीं हैदराबाद भी उसी तनासुब से बड़ा है सक्खर भी उसी तरह से तो एग्रीकल्चर जितने भी हम देखें देही माशरा जो है वो शहरी माशरे के अंदर तब्दील हुआ है जी। तो जब शहरी माशरा तब्दील होता है तो उसी तरह से लोगों के जहन तब्दील होते हैं उनका आउटलुक तब्दील होता है अब आउटलुक तब्दील के अंदर मालूम हुआ कि साहब एजुकेशन जो है वो बुनियादी हैसियत रखती है बिल्कुल तो अच्छा ख्वातीन यानी औरतों की आज़ादी ये बुनियादी बात है कि आपने औरतों पर आप आज़ादी क्या वो आपके जंजीरों में जकड़ी हुई थी नहीं बल्कि आपने उन्हें अपने बराबर का ओहदा दीजिए उन्हें उनकी तालीम का बंदोबस्त हुआ और कॉलेज खुले स्कूल के वो भी बढ़ के आए तो एक पूरी नस्ल कई नस्लें जो हैं वो ख्वातीन की निकली तो उससे एक पूरा माशरा पैदा हुआ कल हम नाम लेते थे उंगली पर गिनी जानी ख्वातीन नज़र आती थी लेकिन आज हम क्या यानी जब जहाँ पर भी देखिए आप तो 10 किताबें पढ़ी हुई हैं उसमें से कम 5 किताबें जो हैं आपको ख्वातीन की लिखी हुई मिलेंगी तो ये बड़ा है अब जितने शहरों में कॉलेज जी और यूनिवर्सिटीज़ में आप जाइए यूनिवर्सिटी में जहाँ मखलूत तालीम है वहाँ आधी से ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं वो पढ़ती हैं और कौन सा ऐसा मौजू है कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ख्वातीन अब नहीं पढ़ रही हैं तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है बिल्कुल तो जब ये तब्दील होता है माशा तब्दील होता है तो उसी तरह से उसके जहन भी तब्दील होता है उसकी अपनी सोच भी तब्दील होती है ये आ गया है अच्छा अब शहर में पहले तो ये होता था भाई कि आप ये कहते थे वडेरा और उसके साथ नहीं जनाब उसका मजलूम हारी जी। अब मजलूम हारी कोई मजलूम नहीं रहा हारी नहीं रहा
हारा पे भी नहीं मिलती उसको, अब तो ज़मीन मशीन पे से काम हो रहा है। हारी ज़मीन जोतेगा तो सुहारप मिलेगी ना, अब हारी तो अन्य ज़मीन पे काम नहीं कर रहा है, हारी तो शहर में आ गया जी, अब शहर मशीन में आकर के शहर में आके वो उसने दुकान खोल ली, हट्टी खोल ली। सही। तो ये माशरा जब तब्दील होता है तो इसी तरह से तब्दील होता है, हर चीज़ तब्दील होने लगती है, आउटलुक तब। अब ये सिंधी कौमियत जी यानी उसकी एक अहमियत है, उसकी एक अहमियत थी एक ज़माने में, बिल्कुल बिल्कुल, और उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मिसाल तौर पर अगर कोई एक मखसूस आबादी का हलका है जो एक मखसूस ज़बान बोलता है, उसकी एक मखसूस तारीख है, उसकी अपनी एक रहन सहन का तरीक़ा है, तो एक कौमियत तो हुई, बिल्कुल। तो इस एतबार से सिंधी एक अलग कौमियत थी, लेकिन माशरा जब बढ़ा तो उसने वो कौमियतें आहिस्ता आहिस्ता कम होकर वो अब उसने सिंधी ने अपना असर रसूख बढ़ा लिया जी। ये चीज़ जो है ना सर, बड़ी मैं सोच रही हूँ कि ये बड़ी असरअंदाजी जो कि अभी आपने पॉइंट बोला, मैं चाहूँगी इसी पॉइंट से हम वापस आके आगाज़ करते हैं ब्रेक का, मुझे बोला जा रहा है आपकी इजाज़त से। व्यूअर्स हलूं था ब्रेक की तरफ, आई ब्रेक का पो इंदासी, आई सर जी गाल के इतना ही कंटिन्यू कंदासी कार्यनवन जो दिसना रहो सुबह जो आवाज़ प्रोग्राम में असा 57 को आए टेंग पारा मिलन मसाला लेला ब्यूटी सोप फॉर बी सोप लाइफ वॉइस शैम्पू मुगल हाइब्रिड सीड दिसना रहो सुबह जो वेलकम बैक व्यूअर्स। एक दफ़ो वरी आवाज सभी के वेलकम कया थी सुबह के आवाज़ में आई जडे अड़े किस्म जहाँ मेहमान इंदा आन जिन से गाले प्रोग्राम पानी वागुर गुजरी वो दिल चवी आई काश वधिक वक्त हुए तो हि लम्हा जेके ढा खूबसूरत इन खूबसूरत लम्हन में असा गड एडा बेहतरीन मेहमान मौजूद हैं। सैयद मजहर जमील साहब हम बात कर रहे थे स्पेशली जो है सिंध के हवाले से कि अभी जो है सिंध ने इतना अपना असर रसूख कर दिया है कि वो अब फैल चुकी हैं वो चीज़ें, वहीं से ही मैं चाहूँगी आप अपनी बात को ऐड करें जी। हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब पार्टीशन के बाद जब हम वहीं से ज़्यादा दूर नहीं जाते हम देखते हैं, अच्छा फिर उसके बाद एक ये इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि सिंधी जबान अपनी एक बहुत रिच जबान है और उसकी तारीख इतनी ज़्यादा यानी कदीम है, और हमें उसके कदीम की तारीख के सिर्फ ये नहीं कहते कि कदीम तारीख है बल्कि उसकी निशानियाँ भी हम देते हैं जी जी। और शायरी में तो लोक गीत और लोक कहानियाँ लोक गीत और लोक शायरी तो मौजूद ही थी, लेकिन इसके बाद जो बाकायदा उरूजी शायरी आई तो वो भी मौजूद है, बहुत तकरीबन 100 साल की उसकी तारीख हो गई। नसर की भी तारीख जो है वो तकरीबन आप 100 साल के हो जाते हैं, और इसलिए कि 1900 मिर्ज़ा खलीज बेग की किताबें जो हैं वो 1920-25 में आ चुकी थी और लिख चुकी थी, और 100 से ज़्यादा किताबें उन्होंने सिंधी उर्दू में उर्दू और सिंधी में मिला करके दी, तो ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। तो ये लोगों को बताने की ज़रूरत थी कि जनाब ये जो सिंधी सिंध का सूबा है वो महज एक सूबा नहीं है, उसकी अपनी ज़बान है। एग्जैक्टली, वो और वो ज़बान पुरानी है और वो ज़बान जो है तारीख के साथ साथ उरूज करके आगे बढ़ी है। अच्छा, और फिर उसके बाद उसमें लिखा गया है, उसकी किताबें हैं, फिर उनको बताना पड़ा कि भाई शायरी भी मौजूद है, लतीफ़ हैं, सच्चल हैं, सब ये तो बहुत बात के लोग हैं, लेकिन शाह से पहले शाह इनायत हैं, शाह इनायत तो उनसे 60 साल पहले के हैं ना, तो उससे पहले भी हैं, तो वो जो होती है क्लासिकल जो कि तहरीर में नहीं होता लेकिन वैसे गीत होते हैं वो होते हैं वो भी अपनी ज़बान में बोल रहे थे। तो ये हमने लोग बताया कि साहब ये एक कौमियत है जिसकी अपनी ज़बान है, जिसका अपना कल्चर है, अब कल्चर से मुराद क्या होती है, कल्चर के रहन सहन के तरीक़े होते हैं, शादी ब्याह के तरीक़े होते हैं। तो आपने सिंधी शादी अटेंड की हो, आपने देखा हो, तो आप देखेंगे कि वो उर्दू बोलने वालों के यहाँ जो रस्में हैं शादी की उससे मुख्तलिफ हैं या उससे कुछ ज़्यादा हैं? सर पहले तो सिंधी उर्दू दोनों में बहुत कुर्बत होती थी, आजकल जो है ना आज नहीं रहा। अब जरूरत थी कि देखा जाए कि दोनों के यहाँ आखिर कामन क्या चीज़ें हैं, तो मालूम हुआ कि बहुत सी सारी चीज़ें कामन हैं, सिर्फ हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें लगा रखी हैं। तो ये इस तरह से हमने जब हमने सिंधी अदब का
का पढ़ना शुरू किया तो हमने लोगों को बताया कि सिर्फ हम नहीं हैं बल्कि एक दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने सिंधी शायरी की के तर्जुमे किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल है? जैसे शेख हयाज इलियास वो थे तो बहुत से लोग तो अब इस लेकिन लोगों को शाहिद हिनाई है सर जी शाहिद हिनाई साहब इलियास इश्की वगैरह हाँ, ये बहुत बड़ा ग्रुप था तो अब जब ये हुआ तो उससे उसकी वजह से हमने काम करना शुरू किया। आजकल नंगर चन्ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं लाइव जी नंगर चन्ना की आवाज़। हाँ नहीं ये तो मैं अब मुझे आऊँगा इनके पास मालूम करने के लिए क्या कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप थैंक यू सर थैंक यू और हमारी कोशिश व्यूअर्स असानी हुंदी आए तो अदब ते अगर इतरो कम थे पे उठो तो छो न उनके लाइव जो है अप्रिशिएट कर वही स्पेशली सिंधी अदब की जिते गाल इंदी आए तो सर चवन पे दर्जन का मथे आऊँ समझा थी तो अलह केतरा माना हाँ असा गण जितरा नाहन रहा जिन सिंधी अदब से एतरो कम किया हाँ तो इलाही लातादाद थी चुका आपा तवान की तरफ इंदम जदीद अफसाना फिक्शन जो है उनको सवाल आऊँ सर का भी जान चाहम तवां भी तवां किथे पे दिसो सिंधी अगर जदीद अफसाना फिक्शन जी गाल कजे किथे ता दिसो इन शयन के जी मां जने खा मतलब अफसानो लिखण शुरू कयो तो यो मतलब ताके यो बुद्धि हैरत थींदी तो मां शायरी खा शुरुआत पांजे अदब हवाले सा कोन कई हुई मां कहानी लिखंदड़ हां कहानीकार जी हसियत में लिखण शुरू कयो पर अल्लाह सही जकी वजीराई वधिक मुखे शायरी जी सूरत में अता कई पर यो आए त मतलब दिल में किथे न किथे होयो त मां के कहानियों भी लिखणी आहे ए बचपन खा वठी या नंढपण खा वठी मां कहानियन जे हवाले सा जको सो स्टार्ट वरतो हुयो त पोइ इन जे करे बीमारी जे दौरान मां इहो जेको आहे किताब सहेड़ियो कुले गांधी केर त उन में मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते अफ़साना आहिनि ऐं उन हवाले सां जेकॾहिं मां चवां त फिक्शन जो जेको हिकिड़ो मुस्तक़बिल आहे मूंखे तमामु हिकिड़ो शाहूकार लॻे थो इन जे करे न त को असां लिखूं था या जदीद जेके लिखंदड़ पर मतलब बुनियाद जकी जियां अमर जलील साहब जन नूरुल हुदा शाह जन आदि जन या मुख्तलिफ जके ब्या भी असांजा अली बाबा है या मुख्तलिफ अब्दुल कादिर जुणे जो या जको महमूद मुगल साहब जन अड़न एकड़ा सीनियर्स जी मतलब बुनियाद विधलू आयन त उन ते जकरे असा मतलब लिखंदासे त असा को कमाल कोन था कयूं असा उनन जे ही नक्शे कदम ते हली करे या शेकई है पर इहो आहे त जीअं सर मज़हर जमील साहब जन चयो त जदीद सिंधी अदब जे हवाले सां कुझु सिनारियो या मंज़रनामो तब्दील थियो आहे त इन आमियो हमीदा मां सम्झां थी त तब्दीली काई बि हुजे उनखे हीअं सां हुंडाइणु ज़रूरु घुरिजे ऐं उनखे क़बूल करणु जेको आहे उहो ज़रूरी हूंदो आहे छो त रवायतुनि जी पासदारी पंहिंजी जाइ ते पर जेकॾहिं नयूं शयूं असां एक्सेप्ट न कंदासीं त उहा नवाण न ईंदी जी नवाण कंहिं बि मामले में कंहिं बि मौज़ूअ ते ज़रूरी आहे असां सिर्फ़ु रवायतुनि जी त पोइ थोरी हिकिड़ी बौरियत उन शइ में थोरी ख़ूबसूरत बि हूंदी आहे क्लासिक अदब केतिरो ख़ूबसूरत आहे पर जेकॾहिं असां उन में थोरो जदीद तर्ज़ जो जेको आमेज़ शामिलु न कंदासीं त उहो उन में हिकिड़ो जमूद उन ते तारी थी वेंदो ऐं बोरियत ॾांहुं हिकिड़ी शइ हली वेंदी यकसानियत जो शिकार थी वेंदो त इन हवाले सां जेकॾहिं जदीद हवाले सां फिक्शन जो जेको कमु थी रहियो आहे उन में मां नंढिड़ो सो पंहिंजो कंट्रीब्यूशन जेकॾहिं विधो आहे त इहो को एॾी कमाल काली कारीगरी कोन्हे ऐं कोशिशि करे रहिया आहियूं अॻिते बि मां कोशिशि कंदमि त फिक्शन जे हवाले सां मां कमु कयां ऐं रिसर्च जो बि मां कमु कयां पई थीसिस मां लिखां पई इन हवाले सां ऐं जेको आहे सो आख़िरी चैप्टर ते पहुती आहियां अलाह असांखे इंतज़ारु आहे जॾहिं पब्लिश थींदो असीं पढ़ंदासीं जॾहिं आपा जो त इहो वॾपण आहे जो इहो चए पई त आऊं को कमाल न आहे कयो पर हीउ डेफिनेटली कमाल ई आहे जो असांजे विच में अहिड़ियूं शख़्सियतूं आहिनि जेके फिक्शन खे हिकिड़ो जदीद फिक्शन तौर साम्हूं आणनि पिया था त आपा वेल तव्हां इलाही डिज़र्व कयो था ऐं सम्झां थी एप्रिसिएशन खे ऐं अॼोको प्रोग्राम बि डेडिकेट असीं आपा सीमा साहिबा खे कयूं था सैद मज़र खे कयूं था मज़र साहब जदीद अफ़साना फिक्शन को आप कहाँ देख रहे हैं क्योंकि आपा ने अपनी बातें शामिल कर ली मैं चाहूँगी आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात को अगर नज़र रखी जाए तो उस सब को सामने रखते हुए आप जिन जिन हालात को फेस कर चुके हैं अफसाने की मैं बात कर रही हूँ तो आप कहाँ देख रहे हैं देखिए असल में मैं अब जो देखता हूँ कि सिंधी अफसाना जदीद सिंधी अफसाना
कोई अलग से जो मेन स्ट्रीम का अदब है जी, मेन स्ट्रीम के अदब के अंदर उर्दू अदब आता है, इंग्लिश अदब आता है और दूसरी जबान, उन मेन स्ट्रीम के अदब से अलग नहीं है। सही, पहले मौजूआत थे, बहुत चंद मौजूआत थे, मिसाल के तौर पर देही माशरा जो था हमारे यहाँ था, फिर उसके बाद शहरी माशरा आया कि कैसे कैसे तब्दील होने लगा, फिर उसके अंदर कौम परस्ती वाला मौजू भी बहुत लिखा जा चुका है, कौम परस्ती वाला मौजू भी बहुत लिखा जा चुका था, पसंद मौजूआत आ गए बहुत सारे जी, और जो है हारी और वडेरे का मामला था वो भी आ गया, खवातीन के मामले आ गए कि खवातीन को किस तरह से यानी जदोकोब किया जाता है, उनके हक मार दिए जाते हैं, वो नहीं मिलते, तो ये सारी चीज़ें पूरे सारे मौजूआत जो हैं जो के ख़ास तौर पर आते थे, अब वो ऐसे नहीं रहे, बल्कि जो जो सूरत हाल बहुत कुशादा हो गया है जी, यानी मंजरनामा जो है सिंधी अदब का बहुत कुशादा हो गया, और ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये मखसूस मौजू इसके अंदर आ रहे हैं, मौजूआत में वसत आ गई है जी, मौजूआत में बहुत वसत आ गई, तनव्वु आ गया है, मौजूआत के अंदर तनव्वु आ गया है, यानी बहुत सारी पहलू निकल आए हैं। एक तो ये बात हुई है, दूसरी बात ये हुआ कि पावरफुल हो गया है। पहले ये होता था कि अफसाना कोई आपका कहीं छप गया तो किसी ने पढ़ लिया, नहीं, अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे कहनी ये लिखें और मैं नहीं पढूं तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो जाहिर रह जाऊंगा उस हद तक। सही, सोशल मीडिया के हवाले से जो है बहुत ज्यादा जदीद ज़राए आ गए हैं और फौरन चीज सामने आ जाती है। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि क्योंकि ये मैं समझती हूँ आपने जैसे आगाज में ही कहा था ना, ये एक ऐसा मौजू है जिसके लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए, तो मैं चाहूंगी, अभी वक्त खत्म हो चुका है, मैं चाहूंगी दोबारा भी लाइव में आपको इन्विटेशन दे रही हूँ, आप दोबारा भी टाइम निकाल के आइएगा, बहुत शुक्रिया आप आ जाएं, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह बहुत जल्द सर से मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच आपा तमा आयो डाढो सुठो लगो, आखिर में मां पांजी जकी प्रिंसिपल आहे उन हवाले सा जरूर चवंदम त हन बीमारी जे दौरान उनन जी वडी मेहरबानी इन जे करे जो उनन जो साथ न होजे आ मुझी प्रिंसिपल जकी आहे समेरा आखुंद उनन इलाही मुजो साथ दिनो आए बीमारी में मां क्लास वठंदी हम पर हुआ डाढो ख्याल कंदी मुजी मां उनन जी शुक्रगुजार आया जो मां हन मतलब मकाम ते जको आसो इन कैंसर खा पो मतलब सर्वाइव करे इन मतलब डाडी माने उनन जी शुक्रगुजार है उनन जे साथ खा सवाए जको आसो मुमकिन न हो बिल्कुल त जितरो एप्रिशिएट कजे घट आए जे आपा सीमा जो साथ दिनो उनन सबनी के थैंक यू सो मच अगेन आपा थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच ताज वेरी मेहरबानी ताम के शफाया भी जे सिलसिले में पहरियो दफो प्रोग्राम में शामिल कयो थैंक यू सो मच अगेन आई व्यूअर्स खा मोकलाणी जे वक्त अची चुको आहे व्यूअर्स इंशाल्लाह जिंदगी रही तो सुभाणे एक तमाम बेहतरीन मौजू है तमाम बेहतरीन मेहमान आहन जिनसा मुलाकात कभी तेसी ताई हमीदा रशीद आई मॉर्निंग शो जी पूरी टीम के इजाजत दींदा आखिर में हमेशा जिया हाशिम हुसैन ओवर टू यू प्लीज ही कलाम भी अदी सीमा जो लिखल है तदबीर पहेंजी पहेंजी ताबीर पहेंजी पहेंजी तदबीर पहेंजी पहेंजी तामीर पहेंजी पहेंजी तदबीर पहेंजी पहेंजी तामीर पहेंजी पहेंजी हर हथ लकीर में हुई हर हथ लकीर में हुई तकदीर पहेंजी पहेंजी तदबीर पहेंजी पहेंजी तामीर पहेंजी पहेंजी हर हथ लकीर में हुई हर हथ लकीर में हुई
हर हथ लकीर में हुई, हर हथ लकीर में हुई, तकदीर पंहिंजी पंहिंजी, तदबीर पंहिंजी पंहिंजी, तामीर पंहिंजी पंहिंजी, तदबीर पंहिंजी पंहिंजी। हर हथ लकीर में हुई, तकदीर पंहिंजी पंहिंजी, तदबीर पंहिंजी पंहिंजी, तामीर पंहिंजी पंहिंजी, तदबीर पंहिंजी पंहिंजी, तामीर